अस्सलाम वालेकुम साथियों, आज फिर हमारे हाथ में हमारा ही फ़ोन है। हमने अपनी कमीज़ के दामन से इसे बांधा हुआ था। घास काट रहे हैं, सुबह सुबह निकले और आप सबको कहते रहते हैं कि कुकिंग की रेसिपीज़ अपलोड करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे, ये हो गया वो हो गया, लेकिन आप यकीन करें कि एक पल नहीं मिलता है। अब हम इस वक्त ये देखें घास काटने के लिए बैठे हैं और एज़ यूजुअल मैगी ये देखें हमारी रखवाली कर रही है। हमेशा जब हम घास काटते हैं मैगी हमारे साथ साथ होती है। हमारे पीछे पीछे हम उधर फ्रूट ऑर्चर्ड में जाएंगे उस तरफ तो मैगी हमारे साथ साथ होगी। और इस वक्त हम यहाँ पर आकर और अपने शेड्स जो बने थे उसमें बैठे हुए हैं। ये हमारे शेड्स हैं, सारी गाड़ियाँ जो हैं इस वक्त मौजूद नहीं हैं, सब कहीं के कहीं गए हुए हैं। यहाँ पर जो है हमारे मोवर की पार्किंग होती है और ये हमारे टूल्स हैं जो हमारे समझें कि बिल्डिंग के काम आते हैं। हम जो मकान बनाने में जिस जिस किस्म की चीज़ें इस्तेमाल होती हैं बिल्ड करने में, वो चीज़ें हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं। बाकी की जो भारी चीज़ें हैं वो हमारे दूसरे शेड्स में हैं। तो ये आम टूल्स हैं जो हम दिन रात इस्तेमाल करते हैं, करते थे। अब तो खैर ना वक्त मिलता है ना हिम्मत पड़ती है, चूँकि फैमिली माशाल्लाह से बड़ी हो गई है, छोटा बेबी है, ऐवान है घर में, तो इसकी वजह से हमें वक्त ही नहीं मिलता है। हम घास काटने लगे दौड़ दौड़ के, हमने सिर्फ अभी जो है भाग भाग के यहाँ की ही काटी है इस हिस्से की। हम आपको उठ के दिखा देते हैं, लेकिन इससे पहले हम आपको अपने मोवर का हाल दिखा दें। ये देखें, ये हम मोवर पर बैठे हुए हैं इस वक्त। ये हेडफोन्स जो हमने लगाए होते हैं ताकि हमारे कानों में इसका शोर ना आए, और ये मोवर जो है ये अच्छा खासा लाउड होता है। बारिश होने लग गई थी, भागे भागे हमने बारिश में ही काटी है, जिसकी वजह से गीले कपड़े जो हैं वो हम ही पर ऐसे सूख रहे हैं। हम शेड में घुसकर बैठ गए हैं फ़ौरन से पार्क करके। हम नहीं चाहते बार बार हम गंदे हों घास काटते हुए और बार बार जाके हमें नहाना पड़े, तो हम कोशिश करेंगे कि जैसे ही बारिश थमे हम जो है वो भाग कर घास बाकी की फ्रूट ऑर्चर्ड में से काट लें। तो ये हिस्सा जो है ये तो हमने कर लिया है पूरा। हम आपको उतर के भी दिखा दें मशीन जो है। ये देखिए, ये मशीन है, लाइट्स ऑन करते हैं ताकि आपको ठीक से नज़र आए। अब हम पता नहीं कौन सी लाइट ऑन कर देंगे। ये देखिए, ये मशीन है और इस पर हम घास काट रहे थे सुबह सुबह। यूजुअली हम इस वक्त नहीं काटते हैं, यूजुअली हम शाम को काटते हैं। और अभी हमें हेडेक है, हमारी आवाज़ से पता लग रहा होगा माइग्रेन है। और ऐवान मियाँ जो हैं वो लेके हमें हर वक्त बाहर निकल जाते हैं, धूप हो रोशनी हो, इतना ब्राइट है यहाँ तो पोल्यूशन भी नहीं है। और घास देखें इतनी इसकी खुशबू आती है, हमें अपने बजान याद आते हैं, वो भी घास काटा करते थे, लेकिन वो जो पुश मोवर होता है, हाथ वाली मशीन होती है, उससे काटा करते थे। तो वक्त देखो बदल गया, हमें अभी भी वो मोवर याद आता है और उस घास के काटने की खुशबू हमें आती है। हमें अभी भी हमारे जहन में वो अब्बा की उंगलियों पर लगी हुई घास, सुबह सुबह जब वो एक्सरसाइज करते थे घास काटने के बाद, और वो कभी उनकी घास हमने बढ़ी हुई नहीं देखी थी अब्बा जान के बाग की ज़िंदगी में, नहीं हमें कभी नहीं याद कि वो घास। हाँ ये था कि 4-6 साल के बाद पूरे बाग की जो घास थी वो अब्बा जान बदलाया करते थे। जब वो फौत हुए हैं बिल्कुल ठीक ठाक हमारे सामने ही बैठे हुए थे, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग का वक्त था, 6-7 बजे थे सुबह के, और हम ऊपर से बाग देख रहे थे अब्बा जान की बेडरूम की विंडो में से। तो नीचे घास अब्बा जान ने बदलवाई हुई थी, तो नई घास जो थी उसको उसमें से बाग में से शूट करने लगी थी। तो हमने अब्बा जान को कहा उस रोज़ भी, वफात के रोज़ भी, या जिस दिन वो समझें कि उनको स्ट्रोक हुआ है या उनको ब्रेन का एनुरिज्म था जिसका पता नहीं था, और कहीं उनका ब्लड प्रेशर जब हाई हुआ होगा और उसकी वजह से उनको मैसिव ब्रेन हैमरेज हुआ जिससे उनकी वफात हुई, तो उससे चंद लम्हे पहले ही हम खिड़की से बाहर देख रहे थे और हमने अब्बा को कहा कि नई घास जो है शूट करने लग गई है, क्योंकि नई घास डलवाई हुई थी तो वो जड़ पकड़ने लगी थी और नई शाखें निकालने, पत्ते निकालने लगी थी। तो ये खुशबू जो है ये हमें उस वक्त की, उस दौर की याद दिलाती है, उस दौर के जो भी ड्रॉबैक्स थे। ऑब्वियसली हमारे साथ हमारी स्टेप मदर थी या नीचे रहती थी, दूसरे बहन भाई थे। ऑब्वियसली एक नॉर्मल मियाँ बीवी बच्चों वाला घर वो नहीं था, डिफरेंट था, अलग था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा वक्त गुजरा।
लेकिन फिर भी मुश्किल था, हमें मुश्किल लगता था, लेकिन जिस खूबसूरती से हम आज भी उसको याद करते हैं, हमारा नहीं ख्याल कि हम किसी भी चीज़ को यूँ याद करते हैं। ये कुकुबारा जो है ये उड़ के क्या है, शायद आपको दिखाई दे। तो ये जब हम काटेंगे घास तो ये मैगी भी जो है ये कीड़े चुनेगी, तो टिड्डे और वर्म्स वगैरह जो हैं वो एकदम से एक्सपोज होंगे, आवाज़ से भागेंगे जान बचाने के लिए, तो वो फिर इन लोगों की नज़र में फौरन आते हैं और ये उसे खा लेते हैं। अब हम आपसे सोच रहे थे कि बात करेंगे, लेकिन अगर 20 मिनट हम आपसे खड़े होकर यहाँ पर बात करते रहे तो यकीनन ये जो बारिश थोड़ी देर के लिए थमी है ये फिर से शुरू हो जाएगी, चूँकि 11 बजे से उम्मीद है कि ये बारिश जो है ये दोबारा शुरू होगी। ये ड्राइव वे कल शाम को हमने थोड़ा सा टुकड़ा जो था उधर का वो काटा और उस तरफ जो फ्रंट है वो काटा, ताकि कम से कम ये तो एक किनारे लगे, चूँकि आज बारिश की पेश गोई थी और हम चाहते थे कि एक गो में हम इसको काट सकें, लेकिन पॉसिबल नहीं हुआ है, तो कतरे जो हैं वो हम पे पड़ने लगे हैं। तो माजी की जो बात या जो याद हमें आके छूती है, वो कहते हैं ना छेड़ के दास्तान गम दिल ने हमें भुला दिया, तो हमें याद नहीं रहता फिर के वक्त कितना गुजरा। जब हम ये बातें सोचते हैं, अब्बा के पाँव हमारे जहन में आते हैं जिन पर घास के कटे हुए टुकड़े गीली घास के लगे होते थे, और कराची में तो औस भी बहुत पड़ती है, पड़ा करती थी, अब तो यादें ही रह गईं। अब तो अल्लाह जाने के कराची कैसा है, किस हाल में है, कोई साथी जो है वो अब हमें कहेंगे आओ आके देखो। तो हम गए थे कराची लास्ट टाइम, जब हम गए तो हमें लगा कि वो कराची जिसे हम पीछे छोड़ आए थे वो अब एग्जिस्ट नहीं करता है। तो जो भी बचा हमारी यादों में बचा, जो अभी भी ये है कि जब आप किसी दुकान पर शॉपिंग कर रहे हों तो यकीनन आपको अगर भूख लगी हो, या हम आपस में भी किसी के साथ जिसके साथ शॉपिंग कर रहे होते थे जाते थे तो कहना अगर कि भूख लगी है तो दुकान वाला फ़ौरन से जो है पूछा करता था कि बाजी कुछ मंगा दें, बाजी क्या पियोगे, बाजी क्या खाओगे। तो ये चीज़ें जो हैं, इन चीज़ों को, इस अपनाइत को, इस मोहब्बत को आप लें ना लें उस दुकान से, लेकिन हमने इस चीज़ को बाहर के ममालिक में बहुत मिस किया। वो अपनाइत का एहसास जो हमें वहाँ से था वो यहाँ पर हमें महसूस ना हुआ। वतन हमारा वही रहा, ज़मीन हमारी वही रही, अब हमारा माली जो है वो आ गया है, तो मेरा ख्याल है लेट आज इसीलिए हुआ है कि बारिश हो रही थी, तो उसने देखा होगा ज़रा थमी है तो भाग कर आया है, लेकिन यहाँ तो वही सिलसिले हैं। लेकिन उधर जो होजेज हैं फ्रूट ऑर्चर्ड में वो हमने अभी फोल्ड करनी थी, हमने अपने मियाँ साहब को बड़े एक्टिवली, जिनको बागबानी की कोई ख़बर नहीं होती है, भागते हुए देखा कि बेगम जो हैं आज सैटरडे है, उन्होंने देखा होगा ये घास काटने के लिए निकली है तो जल्दी से इसके लिए वहाँ फ्रूट ऑर्चर्ड की होजेज जो है वो फोल्ड कराऊं, तो हमने उन्हें भागते हुए तो देखा है लेकिन हमने उन्हें होजेज फोल्ड करते नहीं देखा तो यकीनन ये हुआ है कि वो गए तो होंगे, क्योंकि कल हमने माली को कह दिया था कि होजेज फ्रूट ऑर्चर्ड से निकाल के इधर स्लोप की तरफ जो है वो रख दे, ताकि एक ही जगह पर फोल्ड कर दें होज, बाज़ औक़ात जब मो करना हो माली को कहते हैं फ़ोल्ड कर जाए तो वो एक जगह पर होज छोड़ जाता है, जब जाहिर है वो एक जगह फ़ोल्ड की होती है ताकि मोवर उस पे से ना गुजर जाए, जब वो फ़ोल्ड कर जाता है तो वहीं वो पानी अगर एक दो दिन हम ना काट सकें तो एक जमा होता रहता है, उसके जमा होने से ये होता है कि हमारे मोवर के बॉग होने का इम्कान होता है, उसमें कीचड़ में फंस जाने का। तो हमने उनको कहा था कि इधर को स्लोप की तरफ को, जिधर को आप देख सकते हैं ट्री लाइन से आप देखें ना ऊपर कि वो सीधी है ज़मीन, दरख्त बिल्कुल लाइन ये बिल्कुल ज़मीन के बराबर है, तो देखें आपके ज़मीन कैसे नीचे को आ रही है, और काफ़ी है, ये थोड़ी नहीं है, काफ़ी नीचे को है, मतलब ऐसे देखने से अंदाज़ा नहीं होता है, लेकिन जब हमने ये पॉन्ड बनाया और हम पिछले क्लिप में भी अपने साथियों को बता रहे थे कि किस तरह पर हमने इसको लेवल किया, तो आप ये देखें कि हमने इसको बिल्कुल स्ट्रेट बनाया है, और ये पूरा एरिया जो इसके राइट हैंड पर पड़ता था वो हमने लिफ्ट कराया है, भराई करवाई है, और वो कोई थोड़ा नहीं था, वो बहुत था। जब भरने लगें या काट के ज़मीन को बना रहे हों या लेवल कर रहे हों, आम ऐसे थोड़ी बहुत ऊंची नीची दिखती हुई ज़मीन भी जो है वो काफ़ी फ़र्क रखती है। अल्लाह का ऐसा निज़ाम है, हम कल ड्राइव कर रहे थे सोनी को लेने के लिए, यूनिवर्सिटी की तरफ को जा रहे थे, तो हमने देखा कि जो जो गहरी जगहें थीं ज़मीन में वहाँ वहाँ डैम्स थे, और जो जो ऊंची जगहें थीं वहाँ वो पहाड़ियाँ थीं। आम आप देखें, आपका दिल करता है पहाड़ी की चोटी पे घर बनाएं, सबसे ऊंची जगह पर मकान हो कि आपका व्यू हो, एक हुस्न अल्लाह ताला ने उस ज़मीन को बख्श दिया जहाँ इंसान रहना सहना चाहे,
उसको पसंद आए, वो दूर तक देख सके जैसे हम यहाँ पर खड़े होकर देख सक रहे हैं। और एक हुस्न अल्लाह ताला ने उस नशेब को बख्शा, उस गहराई को बख्शा कि वो एक प्याला नुमा गढ़े में अपने लिए एक पानी लिए हुए है। हमारे एक बुज़ुर्ग थे, अभी हाल ही में जल बसे, उनके बिना हम अपने आप को एक तरह से मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू जहाँ भी आता है उसमें लॉस्ट पाते हैं और हम अपना फ़ोन उठाकर किसी को ब्रिंग नहीं कर सकते हैं कि हमें बताओ इसका क्या है या क्या मतलब है या कैसे करना चाहिए या दीन क्या कहता है। तो उन्होंने हमें एक दफ़ा बताया कि खुदा की शान देखो कि जो पानी का ज़खीरा है हमारी ज़मीन का, वो अल्लाह ताला ने पहाड़ों पर जमा कर रखा है ऊँचाई पर, और अगर वो पानी ना हो, अगर वो बर्फ़ ना हो तो हमारे पानी का रिज़र्व ख़त्म हो जाए। वो धीरे धीरे पिघलती है, एक मौसम में पड़ती है और सारा साल जो है वो ज़मीन को सप्लाई करती है, वो पिघलती रहती है और पानी जो है नहरों में आता रहता है। तो अल्लाह ताला ने बर्फ़ों का, पानी का एक ज़खीरा पहाड़ों के ऊपर यानी कि ऊंचाई पर जमा कर रखा है बर्फ़ की सूरत में। बड़ी हिकमत की बातें हैं, बड़ी ही प्यारी बातें। तो हम बाज़ औक़ात जब ऐसे कुदरती मनाजिर के पास से गुज़रते हैं, ये हुस्न, ये खूबसूरती देखते हैं, एक तो सबसे पहले अल्लाह की हम्द करते हैं, अल्लाह का शुक्र करते हैं, फिर हम चाहते हैं कि हम इन सारे मामलात को समझें कि क्यों है। क्योंकि दीन जो है वो रीज़निंग का मज़हब है, यूं ही नहीं अरी फेरी बातें कर दीजिए, ये चीज़ हो गई, यूं हो गई, ये जादू। तो जादू में और मौजज़े में एक फ़र्क है, मौजज़ा जो है वो हमेशा नेचर के ताबे है, यानी कि सूरज मगरिब से नहीं निकलेगा, ये एक जादू के तौर पर तो दिखाई जा सकती है चीज़, आपकी नज़र का धोखा तो हो सकता है कि ये हो गया ये हो गया, लेकिन हकीकत में जो मौजज़ा और मैजिक में फ़र्क ही ये है कि मौजज़ा जो है वो नेचर के ताबे होता है। सिर्फ ये है कि दीन कहता है कि कुरान भी जो है वो मुत्तकियों के लिए है, उसमें हिकमत की बातें, समझ की बातें, अकल की बातें मुत्तकियों के लिए हैं। तो जो एक रूहानी आँख रखता है वो इन बातों को समझेगा, जो दुनियावी आँख रखता है उसके लिए वहाँ कुछ नहीं रखा है, उसको तो लज्जत मिलेगी दुनियादारी में। तो ये वो चीज़ें हैं, तो जो लज्जतें हैं आजकल की आप उनको देखें। कभी हम बच्चों से बात करें तो हम बहुत शॉर्ट में समझाते हैं, हम ये कहते हैं देखो दुनिया का बड़ा से बड़ा जो अदाकार है, आज करोड़पति है, एक फेम, एक नेम रखता है, मरता कैसे है? हर कोई ड्रग्स में पड़ा है, हर कोई ओवरडोज से मर रहा है, हर किसी को ऐसी ऐसी बीमारियां लग रही हैं जो ड्रग्स से रिलेटेड हैं, उनकी ज़िंदगियां मैस हैं। ये चीज़ें जो हैं ये खूबसूरत ज़रूर हैं लेकिन ये शैतान के दिए हुए ऐसे ढकोसले हैं जिनमें इंसान, कमज़ोर इंसान आ जाता है। तो ये तो बड़ी ही लंबी बातें हैं, खैर आपको नज़ारे दिखाते दिखाते घास काटने से शुरू होकर हम कहाँ पहुँचे हैं अल्लाह जाने, लेकिन वाकई जब हम ड्राइव करते हैं या हम अकेले हों और ये जो चीज़ें हैं, ये कंप्यूटर, ये फ़ोन्स, ये क्लिप्स, ये गाना, साज, बाजा, ड्रामास, एवरीथिंग, ये आपको नेचर से हमें लगता है दूर ले जाती हैं आपको, फिर वो आँख नहीं रहती आपके पास, वो बीनाई, वो नज़र नहीं रहती जो इन चीज़ों का हुसन दिखा सके और आप इन चीज़ों को समझ सकें, इसकी बारीकी को समझ सकें। पहाड़ों की बर्फ़ों में खेलने तो हर कोई जाता है, वहाँ का हुसन देखने, नज़ारे देखने हर कोई जाता है, लेकिन वो वहाँ क्यों है ये किसी ने कभी गौर नहीं किया होगा। तो ये वो चीज़ें हैं जो इंसान को समझनी चाहिए, ये वो चीज़ें हैं जिनसे इंसान को पता लगता है कि खुदा ताला एग्जिस्ट करता है, अल्लाह ताला है जिसने बड़ी ही कैलकुलेटेड ये दुनिया बनाई है। और दीन जो है वो एरी फेरी बातों का मजहब चीज़ नहीं है, वो एक ज़िंदगी गुजारने का एक सिस्टम का नाम है, चाहे आप उसे कोई भी नाम दे दें, किसी भी नाम से बुला लें, उसको जो समझ गया वो उस सिस्टम को, उस निज़ाम को समझ गया कि कैसे इंसान पैदा होता है, कैसे दुनिया में वो फलता फूलता है, कैसे वो सर्वाइव करता है, उसको अल्लाह ताला ने अकल समझ देकर कहाँ पहुँचाया है और कैसे उसके लिए जज़ा और सज़ा का एक सिस्टम जो है वो बना रखा है, उसको कहा गया कि वो सर्व करे। ये जैसे हम घास काटते हैं, इसमें भी दीन है, ज़िंदगी के हर पहलू में एक नेकी का, एक दीन का पहलू है। आप देखें हमने घास काटी, परिंदों को दाना धुन का मिलने लग गया, ज़्यादा मिलने लग गया, जो कल से भूखे होंगे वो भी खा लेंगे इस बारिश में। तो ये ऐसा सिस्टम, एक निज़ाम है दुनिया का जो हमने सोचा कि
घास काटने से शुरू होकर हम आपको बता दें कि हम इस किस्म की बातें जो हैं वो सोचते हैं, इन चीज़ों पर गौर करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। और सफाई क्यों कहा गया निस्फ ईमान है। अब हम आज ये जंगल देखने बन रहा है, इसको बड़े ट्रैक्टर जाके काटेंगे। हम तो इतनी बड़ी ज़मीन का नहीं काट सकते घास। ये 1 किलोमीटर है हमारी ज़मीन जो है, 1 किलोमीटर यहाँ से है चल के जाएँ तो। ऑब्वियसली बड़े बड़े स्लैशर्स हैं जो साल में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा हम कॉन्ट्रैक्ट पे हम देते हैं कि वो आके काट दें और हम उनको पे करते हैं। बाकी की ये जो घास है सारी आपको दिखाई दे रही, ये हम काटते हैं। ये जो पंप है जिसको अभी माली देख रहा है, ये नहीं चल रहा। साफ़ कर जाएगा और इसको पता नहीं लगेगा कि पंप की पाइप भी डिसकनेक्टेड है और पंप जो है वो काम भी नहीं कर रहा है। ऊपर का जो ये फव्वारा है, पौंड तालाब सा छोटा सा जो बर्ड बाथ सा बना है, इसमें 3 बजे से चिड़ियाँ आने लगती हैं नहाने और पानी पीने। तो इसको अभी फिक्स करना है, देखते हैं। वरना एक और पंप जो है वो रखा हुआ है अभी बैकअप के तौर पर, नया वो ये नहीं चला तो फिर हमें वो लगाना पड़ेगा। तो ये तो थी छोटी सी सैर, हमने सोचा हम आपको करा दें। अब हम चलते हैं अपने मोवर की तरफ, भारी काम की तरफ मुश्किल काम की तरफ। ऑब्वियसली बहुत झटके पड़ते हैं, ऐसा आसान इजी बीजी नहीं है। देखने में तो ये चीज़ें बड़ी खूबसूरत हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी की लग्जरीज़ को, अपनी ज़िंदगी की जो खूबसूरतियां हैं जो आजकल के लोग इंजॉय करते हैं, उनको बिलाशुबा एक तरफ डाल के, अपने मैनीक्योर पेडीक्योर को, अपनी स्किन केयर को डाल के आप इन चीज़ों की तरफ आते हैं और काम करते हैं। तो मुश्किल काम है ऑब्वियसली, हाँ सब कुछ है तो बहुत खूबसूरत, लेकिन इसके लिए बहुत ज़िंदगी, बहुत जान और बहुत हिम्मत की ज़रूरत है और आपको अपनी प्रायोरिटीज़ को सॉर्ट करना पड़ता है। यही वजह है कि हम आपको बहुत जल्दी जल्दी रेसिपीज़ नहीं दे सकते। हमारी ज़िंदगी बहुत मुख्तलिफ है एक आम इंसान या एक आम हमारे माशरे की औरत से। तो हम मेहनत से ज़िंदगी गुजारी, बनाते गुजारी, और हम अपने बच्चों को भी नसीहत करते ही रहते हैं। वो आज उस मकाम पर हो ना हो, आज हमारे बच्चे निकल के ख़ुद से घास घर की काटें ना काटें, लेकिन क्योंकि उन्होंने हमें करते देखा तो हमें यकीन है कि ज़िंदगी भर वो भी करेंगे। लेकिन अगर हम किसी भी बच्चे को अभी घर से आवाज़ दे के आओ घास काटो, तो वो मौजूद होगा हमारे लिए। तो ये थी छोटी सी सैर जो हमने आपको कराई, भराई की जो बात हमने की। ये देखें जब हमने शेड्स बनाए हैं, ये देखें ज़रा से, ये इतना सा ये एरिया है, देखें यहाँ से वहाँ तक, वहाँ से कितने मज़े से ज़मीन चली आती है। और जब हमने इसको लेवल किया है तो ये देखें कम से कम ये 2 गज़ से तो ऊपर है ही जो हमने भरा है। तो ये देखें कितनी ऊंचाई पर आकर जो है ये फिर बने हैं, सिर्फ ये 6 साढ़े 6 शेड्स जो बने हैं। तो लेवल करने पे हमें कितना लग गया मेहनत और फिल कितनी हमने ली, और ये सारा फील्ड एरिया है। अभी हमने ये दरख्त जो हैं, बस किसी दिन हमें फुर्सत मिले तो हम इधर उधर फ़ोन करें, ये बुलाएं अपना जो अर्थ मूविंग गाय है, ये जो लाइन हमने बनाई हुई है, हम चाहते हैं कि हम इसको अब आगे तक ले जाएं, क्योंकि हमने ये जगह बहुत अच्छी कर ली है, घास इस पर उगाई, ये पूरी भराई की हुई जगह, ये पूरी स्लोप जो है इसको बिठाया गया है इस एंगल पे कि पानी का फ्लो जो है बिल्कुल ठीक रहे। एक जगह ही ना गढ़ा बन के पानी खड़ा होता रहे, तो जो रहते हैं इस सिस्टम में, जो इस निज़ाम को जानते हैं, वो सारा कुछ यहाँ पर इस वक्त समझ रहे होंगे। लेकिन सिर्फ शेड बना लेना, सिर्फ ज़मीन को हमवार कर लेना, घास काट लेना, जब आप कोई भी चेंज नेचुरल ज़मीन में करते हैं पॉसिबल नहीं होता है। उसको बड़ी दूर अंदेशी से देखना पड़ता है कि बहाव किधर होगा। ये तो नहीं कि एक जगह ही जो है वो खंदक ही बन जाए, या एक जगह ही ज़मीन कट जाए, तड़ेक पड़ जाए, दरार पड़ जाए उसमें पानी के बहाव से। तो ये सारा कुछ काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, और क्वालिफाइड लोग होते हैं जो आते हैं और बताते हैं कि किस तरह पर क्या करना है और किस तरह पर ज़मीन की कटाई जो है और भराई वो की जानी चाहिए। तो वो देखें कुकु भरा बैठा है, उड़ के गया वो, देखें यहीं रहते हैं ये, और बड़ी प्यारी इनकी आवाज़ है, सुना नहीं सके हैं। इसको भी देखें फूल आने लगे हैं, ये देखें ये यूकलिप्टस है, इसमें परिंदे आके बैठेंगे, पोलिन
और ये देखें ये वो फ्लेम ट्री है, जब विंटर आएगा, विंटर जैसे कि आ रहा है, जून जुलाई यहाँ का विंटर है, ये पूरे फ्लेम ट्रीज हमने जब काटा था उधर सामने से तो हमने इधर अंदर फेंकवाया था ताकि ये फल फूल जाएं, यहाँ पर ये रंग हमें दिखे सुर्ख, तो ये सारे एंड तक जो हैं लगे हुए हैं। अब हमें वहाँ तक चल के जाने की हिम्मत नहीं है, हम जल्दी जल्दी घास काट लें। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहते हैं, उम्मीद है कि छोटी सी भागम दौड़ी की सैर जो है आपको पसंद आई होगी, जो हम कर सकते थे हमने कोशिश की कि वो कर लें और आपको थोड़ा बहुत दिखा दें बारिश के थ्रू। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।